कभी-कभी क्या होता है कि एक आदमी, यानी ये सारी तीनों चीजें पाई जाती हैं, अरकान विरासत भी सब हैं, असबाब विरासत भी पाए जाते हैं, यानी वारिसीन जो वारिस बनने, तो कोई ना कोई सबब है और ये सारी शर्तें भी पाई जाती हैं। फिर भी इन तीनों के बावजूद भी क्या है, किसी को हिस्सा नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है। माने विरासत से माने उसको क्या कह सकते हैं, ब्लॉकेज, यानी कोई चीज होती है जो ब्लॉक कर देती है उसको, उसको हिस्सा नहीं पाने देती। वो तीन चीज होती है, ये भी तीन चीज है जो वारिस को विरासत पाने से रोक देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीजें पाई है लेकिन फिर भी उसको हिस्सा नहीं देगा, वो तीन क्या है? पहली क्या है, पहली चीज क्या है कि वारिस को ब्लॉक कर देगी, वो हिस्सा नहीं पाएगा, वो है क्या? हाँ, पत्र। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपने लगता है प्राइज पढ़ा है, किताब पढ़ा, सिर्फ कहीं क्लास में नहीं पढ़ा, किताब पढ़ के आपको मालूम हो गया, माशाल्लाह। तो ये पहली चीज जो वारिस को ब्लॉक कर देती है वो क्या है? कत्ल। किसी ने अपने वारिस का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, तो अब बाप की जायदाद में बेटा कुछ नहीं पाएगा, उसको एक रुपया भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कैसे भी कत्ल किया, उसका यह कहना नहीं माना जाएगा कि गलती से जो है गोली चल गई, ये सब नहीं सुनेगा कोई। वो जानबूझ के मारा या गलती से मारा, कैसे भी मारा, और इन सब चीजों की देखिए दलाल भी मौजूद है किताब में, इन सारी बातों की दलाल। तो कत्ल कर दिया तो हिस्सा नहीं पाएगा। किसी ने भी अपनी मौलिस का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, बेटी ने बाप का कत्ल कर दिया। ये एक शख्स था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसका भाई वारिस हो रहा था, है ना, उसका बेटा बेटी नहीं थी, तो मरने के बाद उसका भाई वारिस होता, कोई नहीं था, उसका भाई था, तो भाई लेता ना, तो अब इसने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, तो अब इसको नहीं मिलेगा। अगर किसी ने अपने वारिस का कत्ल कर दिया तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, चाहे जो भी वजह रही हो, चाहे गलती से ही क्यों ना हो गया, एक्सीडेंट ही क्यों ना हो गया। और ये इसलिए है ताकि कोई इसका बहाना बना के कत्ल ना, ये भी हो सकता ना कि कोई प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ कत्ल किया और उसको एक्सीडेंट बना दिया। आजकल बहुत होता है ऐसा भी कत्ल होता ना, कि कत्ल को हादसा बना देते, कत्ल को एक्सीडेंट बना देते। तो इसलिए सदे बाप के लिए जाब्ता ही यही है कि वारिस ने मौरिस का कत्ल कर दिया तो अब उसको हिस्सा नहीं देंगे, चाहे जैसे कत्ल किया, चाहे जो भी वजह रही। दूसरी वजह क्या है? एक और वजह है जो वारिस को ब्लॉक कर सकती, वो इख्तलाफ दीन, यानी किसी का काफिर होना। कोई भी काफिर हो गया, वारिस हो गया या वारिस हो गया, तो एक दूसरे से हिस्सा नहीं पाएंगे। कोई आदमी, एक बाप है वो काफिर है, उसका बेटा मुसलमान हो गया, तो उसके माल में सब हिस्सा, या बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है, एक फैमिली है मुस्लिम, एक एक फैमिली है, उसमें से बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, और बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो कुफ्र में है, तो अब बेटे की, अब बाप की मिरास में बेटा हिस्सा नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का दीन अलग है, बाप मुसलमान है, बेटा काफिर, काफिर बेटा मुसलमान बाप से हिस्सा नहीं पा सकता। ऐसे ही बाप अगर काफिर है और बेटा मुसलमान हो गया तो भी ये उसके मां से हिस्सा नहीं पा सकता, दोनों का दीन एक होना चाहिए, वारिस मौरिस का दीन एक होना चाहिए। तो ये कत्ल, दूसरा कुफ्र, तीसरा क्या है? तीसरी चीज भी है जो विरासत से ब्लॉक कर देती है, गुलामी। और मैंने आपसे पहले कहा कि
इसका भी आज वजूद नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस करके कोई फायदा भी नहीं। तो ये पूरा खुलासा है।